गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जुनेरा की दुनिया। आप लोग देख सकते इतने सारे स्टेशनरी के आइटम्स। आज मैं तो हम लोगों के समर वेकेशंस चल रहे हैं, आप लोगों के भी चल रहे होंगे। सो हम लोग नेक्स्ट एकेडमिक ईयर के लिए ये सब कुछ लिए हैं, तो देखते हैं क्या क्या है। इस साइड मेरे हैं और इस साइड मेरे सिस्टर के हैं। चलिए मैं आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ कि मैं हम लोगों ने क्या क्या लिया है। सो गाइस पहले स्टार्ट करते हैं ये जो बीच से मुझे ये वाला अल्फ़ाबेट का कई दिनों से मैं ढूंढ रही थी, मुझे कहीं नहीं मिला था और मुझे यहाँ पे मिल दिख गया, तो मैंने ये ले लिया। यहाँ पे जेड भी है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपका फर्स्ट लेटर कौन सा है। तो यहाँ पे वो हर एक लेटर के बीट्स हैं एंड एक मैंने पर्पल कलर का ले लिया, ये भी मुझे अच्छे लग रहे थे तो ले लिया। देन नेक्स्ट मेरे सिस्टर का भी एक प्रोडक्ट देख लेते हैं। तो ये है उनकी स्केल, क्योंकि उन्होंने बोल रहे थे कि उन्हें स्केल चाहिए, तो हम लोगों ने ये वाली ली। चलिए इसे खोल के देखते हैं। सो ये देखिए 2-in-1 है इस तरीके से। यहाँ पे आप लोग शेप्स ड्रॉ कर सकते हो और यहाँ पे आप लोग स्केल मार सकते हो। तो इस तरीके की 2-in-1 हमारी स्केल है। तो कैसे लगे आपको ये वाली स्केल मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये इरेजर। ये तो कॉमन है और एक जहना के लिए है और एक मेरे लिए है। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। ये कुछ मेरे ब्लू एंड ब्लैक पेंस है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वाले ब्लू वाले हैं एंड ये वाले ब्लैक वाले हैं, तो इनको मैंने इस तरीके से करके रखा हुआ है। और जहना का ये पेन पेंसिल और हम लोगों ने लिड बॉक्स लिया है। ये लिड बॉक्स बहुत क्यूट है एक्चुअली में, देखिए कितना क्यूट सा है। तो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं जो कि है हाइलाइटर्स। और हम लोगों ने ये वाले, मैंने ये वाला एक पिंक वाला लिया है, एक ऑरेंज वाला लिया है। तो क्या आप लोगों ने भी अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर ली है या नहीं की है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट मेरे सिस्टर का है ये पेंसिल बॉक्स अप्सरा का, जो कि उन्हें लिखने के लिए काम आता है। और ये पेन पेंसिल भी है, मैंने ये बताई नहीं आप लोग, आप लोग देख सकते हैं। शायद इसके अंदर लिड नहीं है, है लिड भी है इसके साथ, हमें एक लिड आती है ना, वही एक लिड भी आई है। सो ये एक पेन पेंसिल है। देन नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है ये पंच है, और ये पंच मुझे काफ़ी अच्छा दिखा, तो इसे मैं खोल के आपको एक दिखा देती हूँ। इस तरीके का है हमारे पास, ये स्टार शेप का है। देन नेक्स्ट चीज़ देखते हैं इसे साइड में करके, जहना का या मेरा देख लेते हैं। चलो तो ये है हमारे पास जेल पेंस, 12 पीसेस है एंड इससे बहुत ही अच्छा हम लोग डेकोरेट कर सकते हैं कुछ भी अपने प्रोजेक्ट्स, इसलिए मैंने लिया है। देन ये एक सीजर्स है, थोड़े मैंने न्यू वाले लिए एक सीजर्स। एंड हमारे पास ये स्टिकी नोट्स है इस तरीके से, आप लोग देख सकते हैं मैंने स्टिकी नोट्स लिया हुआ दो बैग्स। एंड देन जो आते हैं अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे, जो है हमारा पाउच, क्योंकि पाउच मुझे बहुत अच्छा, बहुत पसंद आया मेरा पाउच। तो चलिए इसे मैं ओपन करके बता रही हूँ। इसमें ऐसे 2 कंपाउंड्स दिए हैं, इसमें ये दिया हुआ है एंड इसके पीछे यहाँ पे। तो चलिए इसे हम लोग, इसके अंदर ये सब आ सकता है क्या, देखते हैं। देन इरेजर रख लेते हैं पहले, देन पेंस यहाँ पे हम लोग जमा लेते हैं। सो पेंस तो हमारे जम गए हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग बीट्स देखते हैं। बीट्स तो मैं स्कूल नहीं ले जाऊँगी, बट मैं इससे इसी तरह ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो इरेजर यहाँ से निकाल के इसके अंदर बीट्स हम लोग, बीट्स तो स्कूल को नहीं ले जाऊँगी, बस मैं आपको रख के बता रही हूँ कि इसके अंदर आ सकता है। सीजर्स हमारे पीछे के कंपाउंड में चली जाएगी इस तरह, कवर बार बार आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे इस तरीके के सीजर्स आ गए और ये स्टिकी नोट्स हम लोग यहाँ रख सकते हैं। देन हमारे ये कुछ हाइलाइटर्स, ये भी पीछे के कंपाउंड में हम लोग रख ले सकते हैं आराम से। एंड ये हमारा इरेजर सामने के पास आ जाएगा और ये हमारा जो पंच है वो पीछे की आ जाएगा। एंड हमारी जिप क्लोज होती है क्या, देखते हैं। तो वैसे अच्छे से बंद भी हो गई है और ऐसा दिख भी नहीं रहा है कि मैंने इतनी चीज़ें इसमें ठूस दी है। बस ये एक ही चीज़ रह गई है, मतलब ये तो आएगी नहीं इतनी बड़ी सी। तो ये मेरा पाउच हो गया। चलिए अब जहना का पाउच देख लेते हैं। जहना का भी मैंने पर्पल ही लिया है। और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, मेरा फेवरेट कलर पर्पल है। आप लोगों का फेवरेट कलर क्या है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो अभी जहना का पाउच हम लोग देख रहे हैं, ज़रा खोल देते। सो गाइस ये हम लोगों ने खोल लिया है
और अभी हम लोग फर्स्टली स्केल रख लेते हैं, देन हम लोग यहाँ पर इरेजर रख सकते हैं इस तरीके से, देन पेन पेंसिल और ये इनका पेन पेंसिल का लिड्स इसके अंदर आ जाएगा। देन हम लोग टू पेंसिल्स रख लेते हैं इसके अंदर, और यहाँ पे इनके साथ एक छोटा सा एक शार्पनर रख लेते हैं यहाँ पे, एंड एक ये इरेजर रख लेते हैं। देन हमारा पाउच ये वाला कंप्लीट हो गया। अभी तो पीछे की जगह भी बची है, मतलब बहुत ज़्यादा ये हम लोग बहुत सारे चीज़ें रख सकते हैं इसमें, कलर्स वगैरह भी आ जाएंगे इसके तो इसी साइड में। तो अभी हम मैं आपको बताती हूँ लास्ट चीज़ जो हम लोगों ने लिया है वहाँ से, और वो है ये हम लोगों ने 5 शीट्स लिए हैं इस तरीके की, देख सकते हो। ये मुझे डोरेमोन बहुत ज़्यादा पसंद है कार्टून्स में, तो मैंने वही वाले कार्टून के लिए सारे। तो ये बुक्स नेम प्लेट्स है जो कि बुक्स पे लगाने के लिए होने ही हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये स्टेशनरी शॉपिंग? आई होप यू गाइज इन्जॉय द वीडियो, एंड अगर तो अब से मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप लोग देखिए, ये मेरा पाउच, ये ज़हना का, ये है पेंसिल बॉक्स ज़हना का, ये है मेरा पेन बॉक्स, एंड दिस इज़ स्टिकर्स नेम प्लेट्स। सो आप लोगों को मेरी कैसी लगी शॉपिंग? होप यू गाइज इन्जॉय दिस वीडियो, लव यू ऑल, बाय।